स्टोन एज मानव इतिहास का वह वक्त था जब मनुष्य पत्थर से हथियार बनाना सीख गया था। स्टोन एज करीब 2.5 मिलियन सालों तक चला, जिसमें आदि मानव छोटे छोटे ग्रुप्स में गुफाओं में रहता था। इस वक्त पृथ्वी पर आइस एज भी चल रहा था, इस कारण ग्लोबल टेम्परेचर कम था। इस वक्त मानव बड़े बड़े मेमल्स, पाइसन और भेड़ का शिकार पत्थरों से करने लगा था। 14,000 साल पहले वार्म साइकिल शुरू हुआ और लार्ज आइस इनमें विलुप्त हो गए। गर्मी के कारण पर्शियन गल्फ में गेहूं बार्ले की फसलें उगने लगी और यह देखकर कुछ इंसान परमानेंट अपना घर वहां बना लिया और अपनी नोमैडिक लाइफ छोड़कर उन्होंने वहां खेती करना शुरू किया। खाना पकाने के लिए उन्होंने वहां पर मिट्टी के बर्तन भी बनाए। उस वक्त उनके आहार में मीट, फ्रूट, घास, भूस और वेजिटेबल्स का समावेश था। स्टोन एज में आदि मानव ने गुफाओं में भी चित्र बनाना शुरू कर दिया था। स्टोन एज को 3 पीरियड में बांटा जाता है। पहला पीरियड है पैलोलिथिक पीरियड, जो 30,000 BC से शुरू होकर 10,000 BC तक चला। इस युग में आदि मानव ज्यादातर लकड़ियों से बने झोपड़ियों में रहते थे, खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार या जंगल में जाकर फल पौधे इकट्ठा करते थे, इसलिए उन्हें हंटर और गैदरर कहा जाता है। वह पक्षी और जानवरों का शिकार करने के लिए बेसिक पत्थरों और हड्डियों से बने हथियार जैसे पत्थर से बने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता था। उस वक्त आदि मानव बड़े जंगली प्राणी जैसे उली, मैमेथ, डियर और पाइसन का शिकार कर उन्हें आग की मदद से पकाते थे। पैलोलिथिक काल में आदि मानव गुफा में चित्र बनाने की कला को सीख गया था। उन्होंने मिनरल, गेहूं और चारकोल को एनिमल फैट में मिलाया और उससे गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाया। ये कलाकारी केवल चित्रकला पर ही सीमित नहीं रही। आदि मानव ने चिकनी मिट्टी, हड्डी और सींगों से छोटी छोटी मूर्तियां बनाई। पैलोलिथिक पीरियड में भी पृथ्वी पर आइस एज चल रहा था। आइस एज के खत्म होते ही बर्फ पिघलने लगी और बर्फ पिघलने के कारण महासागरों की ऊंचाई बढ़ने लगी, जिसके कारण आदि मानव को एक ऊंची जगह पर स्थानांतरण करना पड़ा और इसी स्थानांतरण के कारण स्टोन एज का पैलोलिथिक पीरियड खत्म हुआ। अब दूसरा पीरियड है मेजोलिथिक पीरियड, जो 10,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी तक चला। इस पीरियड में मानव और अच्छे से हथियार बनाना सीख गया था। उन्होंने पत्थरों से और आधुनिक हथियार बनाए जो ज्यादा प्रभावशाली तरीके से शिकार कर सकते थे और उस समय वार्म साइकिल के साथ जंगल में अनाज उगाने लगे थे। और यह देखकर लोगों ने नदी के किनारे बसना शुरू किया, जहां वह नदी का पानी खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते। खेती के कारण खाने की समस्या दूर हो गई, जिस कारण छोटे छोटे कबीलों की संख्या बढ़ने लगी और एक गांव का निर्माण हुआ। तीसरा पीरियड है नियोलिथिक पीरियड, जो 8000 बीसी से लेकर 3000 बीसी तक चला, जिसमें आदि मानव पूरी तरह खेती पर निर्भर होने लगा था। खेती के साथ आदि मानव जंगली प्राणियों को पालने लगा था। इस काल में मानव पत्थरों के कुल्हाड़ी के साथ खेत जोतने के लिए पत्थर के औजारों का भी इस्तेमाल करने लगा था। नियोलिथिक पीरियड में मानव जंगलों को छोड़ मैदान में बस गया था, जहां उन्होंने खेती, घर का निर्माण, कलाकारी, सिलाई और बुनाई जैसी कामों में महारत हासिल कर 3300 बीसी में पूर्व में रहने वाले लोगों ने धातु की खोज की और उसने हथियार बनाना शुरू किया। धातु के हथियार पत्थरों के हथियार के मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली थे और ज्यादा दिन टिकने वाले थे। इसी कारण 3300 बीसी में स्टोन एज खत्म हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।